करे बड़ी हैं कर करे सोनी अच्छा मैं पड़ी हूं मैं करे गांव मई मैं किसका गांव आगे मैं बाहर पड़ी हूं पोता के नाम है राम राम सारे ने मैं उतार गला कुसुम गोयत और नू कया करे कि भाई जब कोई छोरी ब्याह का अपने ससुराल जाया करे ना तो उसकी जो सास है वह उसकी माँ हो जाया करे यानी कि माँ का प्यार उसने अपनी सास से मिला करे जो लेकिन जो मैं खबर तरतार सुनान जा रही हूँ या खबर सुनकर तो हम लोग कहोगे कि हैं इसी भी कोई बहू होया करे और इसे भी कोई पोते होया करे इस खबर में एक बुजुर्ग महिला जो 90 साल की है उसको उसकी बहू ने उसके पोते ने पीट पीट के घर से बाहर काट दिया और यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत गणी वायरल हो रही है। क्या दे बेटी दादी हो रहा है भाई मां पोते ने छोकना ना हां कुछ के खाना बाहर को काट दी अच्छा बहू ने बाल बूट के बाल दबा दी मेरे सारे मेरे कपड़े गिर दिए सारे नु कही बाहर अच्छा सारे मां बाहर पड़ी छो पोता के नाम है हां उसका ना सारो रिंकू अच्छा बुआ संतरा अच्छा संतरा अच्छा फिर के चाव तू वे के चाव ही तू सब मकर बनू हैं मकर छू अच्छा मैं मां पड़ी छू हैं मकर जाऊं मैं मकर के जाऊं अच्छा इतना है सची घर में भाई का माँ बाप बगा रखी तू मार कूट के अच्छा फिर भी ऐसा को नहीं मिलता था ना और के कब आई वे कुछ नहीं जो दंड में तब वो मार कूट के जो मैं बाहर कर ये भी कहे कौन बर्म दंड में हम भाई बाल गाय में पड़ी छो अच्छा गाल में काट दिया हाँ गाय में पड़ी छो मार कूट के अच्छा गड़ा करके मेरा तो जो 90 साल की बुजुर्ग ताई है वह अपनी बड़ी बहू के लिए गांव में रहा कर दिए और जानकारी तो नू भी मिली से कि भाई पहले भी उस ताई के लिए मारपीट की गई है लेकिन मंगलवार ने उस टाइम अत्याचार की हद पार होगी जब लॉकडाउन के बीच में उस बुजुर्ग ताई को उसकी बड़ी बहू ने पीट दिया और पीट पीट नहीं दिया उसके पोते ने उसकी बड़ी बहू ने पीट के नर उसके कपड़े के भरे बैग को और उसको बाहर निकाल दिया घर से बाहर। उसके बाद जब ताई बाहर गली में अपने रोती रही बिलखती रही गणी आने लग तो उसके बाद जब कुछ छोरे जा रहे थे गांव के गली में को उन्होंने देखा कि भाई ताई है ताई रोन लग रही है के बात होगी वे छोरे गए ताई धोरे तो ताई ने अपनी पूरी जो उसके गिला बनी है ताई गिला वह सारी उन छोरे ते बता दी तो छोरे भी देखो बढ़िया थे उन्होंने भी एक बढ़िया काम कर दिया उसकी ताई की वीडियो बना ली और ताई की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दी तो उन्होंने भी अपनी तरफ से बढ़िया काम कराया लेकिन इसके बाद जो पुलिस ने अपना काम कराया वो भी बहुत बढ़िया काम कराया एसपी ने आगे कार्रवाई के निर्देश दे दिए। एक बात और बता दूं कि भाई ईब एसपी ने जो निर्देश दिया उसके बाद जो वो महिला है जिसने उस बुजुर्ग ताई को पीटा और उसका जो छोरे है यानी कि उस ताई के पोते उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तो भाई यो बहुत ही शर्मनाक मामला था बहुत इंसानियत ने शर्मसार कर देने वाला तो हंसी का जो यो मामला था यो बहुत दुखदाई था यानी इतनी 90 साल की बुजुर्ग ताई उसने अपना छोरा इतना बड़ा कराया पाल पोस कर ने फिर वो अपनी बहू भी नु सोच कर ले आई होगी कभी सेवा करेगी और पोते भी किसी लिकड़े देख लिया होगा तमने। तो भाई इब तारा के कहना है इसके बारे में तम ने कॉमेंट में जरूर बता दी और हमारा तो ये कहना है तम सारे अपने अपने माँ बाप का ध्यान रखियो क्योंकि भाई वे तमने नु सोच कर पाड़ा है कि भाई बुढ़ापे में ये मारा सारा बनेंगे और जब तार में सारा नहीं बनोगे या आपा ही सारा नहीं बनाएंगे तो और कौन बनेगा। ठीक से कमेंट में मैंने जरूर तम अपनी अपनी राय बता दियो मैं फिर मिलूंगी तब तक के लिए राम राम।